का नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यमुना के बेस्ट रीसेल मार्केटर हैं और आज हम आए हैं सेक्टर 22 डी और सी। अभी मैं जो खड़ा हूँ ये है सेक्टर 22 डी और 22 सी की डिवाइडिंग रोड। तो ये 60 मीटर की रोड है अभी, और ये मान के चले कि दोनों सेक्टरों को डिवाइड कर रही है। तो राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, ये 22 डी है। 22 डी में प्राधिकरण के भी प्लॉट्स हैं और आपका प्राधिकरण के LIG MIG फ्लैट्स भी हैं। तो ये जो एरिया है ये 22 डी का है, और मेरे जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ तो मैं 22 डी की तरफ चल रहा हूँ। ये जो सामने का आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा 22 डी का एरिया है पूरा। इसमें बिल्डर अपार्टमेंट के लिए भी जगह है और आपके प्राधिकरण के प्लॉट्स भी हैं इसमें। इसमें मिनिमम 120 मीटर 162 मीटर के प्लॉट हैं जो 2015 में अलॉट हुए थे 14,700 रुपये के अलॉटमेंट प्राइस पे। तो अभी इस वीडियो के बाद मैं वो प्लॉट की वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, आपको रेगुलर पर डे के हिसाब से अपडेट मिलेंगे। और कोई भी यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया, कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा जहां आप हमारे चैनल के माध्यम से विजिट ना कर पाएं। तो अभी हम धीरे धीरे करके इस चैनल पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ लेके आया हूँ। दिखाने का पर्पज़ ये है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का फ़ोन आ रहा था, मेरे बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्लाइंटों का कॉल आ रहा था कि हमें ये देखना है कि पतंजलि और वीवो का जो प्लांट लग रहा है वो पतंजलि और वीवो के प्लांट कहाँ तक, कितने कंस्ट्रक्शन हो गया है, कितना क्या चल रहा है, एक बार हमें थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट आप उसकी दिखाएं। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप आइए। ये जिस रोड पे हम खड़े हैं ये आपका धनकोर गोल चक्कर से आई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जब आप उतरते हैं नीचे तो आप धनकोर गोल चक्कर पे सर्विस रोड से ये सीधा रोड खुला है। अभी ये पूरा रोड अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, बीच बीच में इसमें अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो हम बीच से निकल के अभी बीच वाले रास्ते से आप यहाँ आए हैं। ये रोड सीधा, इसको लिंक रोड बोला गया है, और ये आपका चारों तरफ ईडा सिटी के चारों तरफ से ये रोड घूमेगा, हाईवे के उस साइड में भी, हाईवे के इस साइड में भी। तो अभी हम जो खड़े हैं हम इस रोड पे खड़े हैं, और ये आप मेरे सामने राइट साइड में जो देख रहे हैं ये प्लांट आपका, ये वीवो का प्लांट तैयार हो रहा है। और ये विद इन 6 मंथ में इसमें कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होनी है। एक साइड के प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, लगभग 10,000 से 15,000 एम्प्लॉय यहाँ पे अगले 6 महीने में काम कर सकते हैं। और ये जो आप सामने ये जो देख रहे हैं ये 45 मीटर की रोड है, ये दोनों को डिवाइड करती है। ये वीवो का प्लांट है, ये पतंजलि की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये पतंजलि की बाउंड्री हो रखी है, और ये वीवो का प्लांट है। तो ये जो रोड है ये दोनों को कनेक्ट करती है, और ये 22C का सेक्टर पड़ता है। इधर 22D है, इधर 22C है। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाने के लिए आया हूँ कि भाई हाँ, ये हमारा पतंजलि का ये काम है, बाउंड्री उन्होंने कर रखी है, और ये आपका वीवो का प्लांट लग चुका है। अभी ये देखें, ये सब काम जो है धरातल पे हो रहा है, और इसके लगने से 22D की काफ़ी वैल्यू बढ़ी है। आप ये मान के चलें कि 22D के जो प्लॉट्स हैं उन वो रीसेल में सेल में ही नहीं आते हैं। क्यों? इनकी वजह से कोई भी उनको सेल करना नहीं चाहता है, तो बहुत कम क्लाइंट्स सेल करना चाहते हैं। तो ये आपने देखा, ये है आपका पतंजलि, ये आपका वीवो, तो दोनों बिल्कुल सामने सामने हैं। बीच में एक 45 मीटर की रोड है, और ये बड़ी रोड है हमारी, 130 मीटर की रोड है जो सिरसा गोल चक्कर से सीधा कनेक्ट होगी। तो ये 130 मीटर की हमारी बड़ी रोड है, ये सबसे बड़ी रोड यहाँ की है ईडा सिटी की। तो ये था यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट। जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो गुरुदेव रियल इस्टेट को चूज़ करें। गुरुदेव रियल इस्टेट आपको हर सेक्टर में आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह अवेलेबल करा देती है। नमस्कार।